श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10वां अध्याय 25वां गोवर्धन धारण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है, तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत ही क्रोधित हुए। परंतु उनके क्रोध करने से होता क्या, उन गोपों के रक्षक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। उन्होंने क्रोध से तिलमिलाकर प्रलय करने वाले मेघों से संवर्तक नामक गण को ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी और कहा, ओ इन जंगली ग्वालों का इतना घमंड, सचमुच यह धन का ही नशा है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझे देवराज का अपमान कर डाला। जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंद बुद्धि पुरुष भवसागर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या तक को छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाव से कर्ममय यज्ञों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। कृष्ण बकवादी, नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहीरों ने मेरी अवहेलना की है। एक तो ये यूं ही धन के नशे में चूर हो रहे थे, दूसरे कृष्ण ने इनको और बढ़ावा दे दिया है। अब तुम लोग जाकर इनके इस धन के घमंड और हेकड़ी को धूल में मिला दो तथा उनके पशुओं का संहार कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद के ब्रज का नाश करने के लिए महापराक्रमी मरुदगणों के साथ आता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने इस प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर चढ़ आए और मूसलाधार पानी बरसाकर सारे ब्रज को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकराकर कड़कने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से वे बड़े बड़े ओले बरसने लगे। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आकर खंभे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, तब ब्रजभूमि का कोना कोना पानी से भर गया और कहाँ नीचा है कहाँ ऊंचा इसका पता चलना कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा और झंझावत के झपाटे से जब एक एक पशु ठिठुरने और कांपने लगे, ग्वाल और ग्वालिन ने भी ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गई, तब वे सब के सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। मूसलाधार वर्षा से सताए जाने के कारण सब ने अपने अपने सिर और बच्चों को निहुक कर अपने शरीर के नीचे छिपा लिया था और वे कांपते कांपते भगवान की चरण शरण में पहुँचे और बोले, प्यारे श्री कृष्ण, तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। प्रभो, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही हो। भक्त वत्सल, इंद्र के क्रोध में अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गए कि ये सारी करतूत इंद्र की है, उन्होंने ही क्रोधवश ऐसा किया है। वे मन ही मन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है। इसी से वे ब्रज का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही है प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी योग माया से इसका भली भांति जवाब दूंगा। ये मूर्खतावश अपने को लोकपाल मानते हैं, इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड तथा अज्ञान मैं चूर चूर कर दूंगा। देवता लोग तो सत्व प्रधान होते हैं, इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान ना होना चाहिए। अतः यह उचित ही है कि इन सत्वगुण से चयुत दुष्ट देवताओं का मैं मान भंग कर दूं, इससे अंत में उन्हें शांति ही मिलेगी। यह सारा ब्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूं। अतः मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूंगा। संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत ही है, अब उसके पालन का अवसर आ पहुँचा है। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे छोटे बच्चे बालक बरसाती छत्ते के पुष्प को उखाड़कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पर्वत को धारण कर लिया। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, माताजी, पिताजी और ब्रजवासियों, तुम लोग अपनी गऊओं और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, तुम लोग ऐसी शंका ना करना कि मेरे हाथ से यह पर्वत गिर पड़ेगा। तुम लोग तनिक भी मत डरो। इस आंधी पानी से डर से तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने यह युक्ति रची है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढाढ़स बंधाया, तब सबके सब ग्वाल अपने अपने गोधन, छकड़ों, आश्रितों, पुरोहितों और भृत्यों को अपने अपने साथ लेकर गोवर्धन के गड्ढे में आ घुसे। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों के देखते देखते भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। वे एक डग भी वहाँ से इधर से उधर नहीं हुए।
श्री कृष्ण की योग माया का यह प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अपना संकल्प पूरा ना होने के कारण उसकी सारी हेकड़ी बंद हो गई, वे भुचक्के से रह गए। इसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यह भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई, आकाश के बादल छट गए और सूर्य दिखने लगे, तब उन्होंने गोपों से कहा, मेरे प्यारे गोपो, अब तुम लोग निडर हो जाओ, अपनी स्त्रियों, गोधन तथा बच्चों के साथ बाहर निकल जाओ। देखो, अब आंधी पानी बंद हो गया तथा नदियों का पानी भी उतर गया। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गोधन, स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को साथ ले तथा अपनी सामग्री छकड़ों पर लादकर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल आए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्राणियों के देखते देखते खेल खेल में ही गिरिराज को पूर्ववत उसके स्थान पर रख दिया। ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर रहा था। पर्वत को रखते ही वे भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ आए। कोई उनके हृदय से लगाने और कोई चूमने लगा। सब ने उनका सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही, चावल, जल आदि से उनका मंगल तिलक किया और उन्मुक्त हृदय से शुभ आशीर्वाद दिए। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा और बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेह आतुर होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिए। परीक्षित, उस समय आकाश में स्थित देवता, साध्य, सिद्ध, गंधर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। राजन, स्वर्ग में देवता लोग शंख और नौबत बजाने लगे। तुम्बूर आदि गंधर्व राज भगवान की मधुर लीला का गान करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की यात्रा की। उनके बगल में बलराम जी चल रहे थे और उनके प्रेमी ग्वाल बाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ ही प्रेममयी गोपियाँ भी अपने हृदय को आकर्षित करने वाले, उनमें प्रेम जगाने वाले भगवान की गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद से ब्रज में लौट आई। श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद 10वां अध्याय 25वां समाप्त।